भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वास्तविक ज्ञानी के लक्षण बताए, कर्म योग की महिमा बताई, अनासक्ति का महत्व समझाया, अच्छे आचरण के लक्षण बताए, उत्तम स्वभाव, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि के बारे में समझाया तो अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई और उसने पूछा, ज्ञान की महिमा जनार्दन, कर्म से बढ़कर कही, फिर युद्ध जैसे कर्म को आप ठहराते सही, संदिग्ध ऐसी बात से बुद्धि भंवर में पड़ रही, उस एक को निश्चित कहो जो राह पाऊं मैं सही। कर्म और ज्ञान में से किसे अपनाया जाए, इस दुविधा में पड़े अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले, निष्पाप अर्जुन लोक में दो राह मैंने पहले कही, ज्ञान पथ मुनि कपिल का, योगियों को कर्म पथ है सही, बिन काम होता ये नहीं निष्काम कर्म अभिराम, काम छोड़ ले संन्यास पथ बने न कोई काम, बिना काम कैसे लड़े ये जीवन संग्राम, निज स्वभाव वश में पड़े करने पड़ते काम, इंद्र अजित का ढोंग रच मन विकार में लीन, मिथ्याचारी ये सदा रहते दीन के दीन, मन वश इंद्रिय सकल दिन काम करे उपकार, नहीं कर्म फल चाहना वे सबके सरकार, निष्क्रिय हो मत बैठिए कर्म श्रेष्ठ बिन काम, बिना काम तन ना सधे नियत करे निज काम, यजन देव पूजन करे दीन करे उपकार, जाते हटे जो भी करे सो बंधन व्यवहार, सहित प्रजा रचे ब्रह्म कहे उद्गार, इच्छित फल यदि चाहते यज्ञ करो बहुवार, तुम देवन को खुश करो बदले पाओ प्यार, एक दूजे का हित करो पाओ श्रेय अपार, खुश हो
सब कहाँ उन्हें दिए बिन भोगना है चोरी का काम। यज्ञ भाग अवशेष को खाए मिटे सब पाप, पापी निज पोषण करे खाता केवल पाप। मेघ बरस दे अन्न फल, यज्ञ मेघ को लाए, कर्म यज्ञ का मूल है कर्म वेद से आए। वेद ब्रह्म की देन है, यज्ञ रूप भगवान, या जीवन आनंद हित यज्ञ क्रियाए महान। रचित इस नियम के जो विपरीत चलाए, इंद्रिन सुख भोगी बना कष्ट पाए विनशाए। आत्म तत्व में लीन को और कछु नहीं भाए, जिन संतोष महान धन कहीं न मांगन जाए। लेना देना कछु नहीं अपने मन में सुख पाही। अनासक्त हो काम कर मत दुविधा मन लाए, हानि लाभ जिन मन नहीं परम पुरुष वह पाए। श्री हरि ने कहा, अर्जुन मुक्ति के दो पथ हैं, एक है संसार से विरक्त होकर ज्ञान और तप द्वारा ईश्वर को जानना और पा लेना, और दूसरा पथ है संसार में रहते हुए भी अनासक्त भाव से हर कर्म ईश्वर को समर्पित करके उसे मानना, जानना और ईश्वर को पा लेना। कर्म किए जन का दिने पाई सिद्धि महान, जन हित नित मन में लिए कर्म करे सुजान। जो जो करते श्रेष्ठ जन पर लोग अपनाए, उनके ही पद चिन्ह चले वैतरणी तर जाए। तीनों लोक में कुछ नहीं मेरे करने योग्य, नहीं प्राप्त अप्राप्त कछु पर कर्म करूं पर भोग्य। सावधान होना करो यदि मैं कोई काम, मेरे इस दृष्टांत को ले जन बने अकाम। नष्ट भ्रष्ट सब लोक जन यदि मैं करूँ न काम, संकरता को जन्म दूँ प्रजा हनु बिन काम। निरासक्त ज्ञानी जन करे लोक हित काम। बुद्धि भेद डाले नहीं अज्ञ करे जो काम, स्वयं काम करता रहे उनको दे सन्मान। के गुण चल रहे सकल काम अंजान, अहंकार के
जानते ये प्रकृति का हाल। त्रिगुणमयी मायाल से करे जगत व्यवहार, भ्रमित न ज्ञानी जन उन्हें कर जिनको नहीं विचार। मेरे ही अर्पण करो सकल काम का बोझ, बिन आशा बिन मोह के युद्ध करो तज क्षोभ। जो मेरे इस वचन को नित पाले मन लाए, दोष दृष्टि राखे नहीं कर्म बंध मिट जाए। दृष्टि त्यागे नहीं माने मम बात, नष्ट ज्ञान उनको समझ मोहित जग जज बात। ज्ञानवान जन भी करत निज स्वभाव अनुकूल, कोटि जतन कोई करे चलना प्रकृति प्रतिकूल। छिपे राग द्वेष दो भाव, इनके वश नहीं होई ये सबके बाधन हार। निगुण भला निज धर्म ही अन्न चेतना लाए, मरण भला निज धर्म हित अपर धर्म भयला। जीव स्वयं कुछ नहीं कर सकता, सब माया के तीन गुणों सत रज और तम द्वारा संचालित होता है। सारे जीव इन्हीं तीन गुणों द्वारा बनते हैं, कर्म करते हैं और इन्हीं गुणों के प्रभाव से जन्मते मरते रहते हैं। ज्ञान और कर्म की ये परिभाषा सुनकर अर्जुन ने पुनः पूछा, किससे प्रेरित हो करे कृष्ण पाप ये लोग, नहीं चाहते भी करे हट लागे ये रोग। अर्जुन ने जब ये पूछा कि जीव किससे प्रेरित होकर कर्म करता है, तो भगवान ने उसको उत्तर देते हुए कहा, रजगुण से दोनों भय काम क्रोध बलवान, बहुभक्षी पापी बड़े बैरी बड़े हैं जान। यथा दर्पण मैल समात, गर्भ जेर जैसे छिपा काम ज्ञान छिप जात। नित बैरे ये ज्ञान के ज्ञान न उभरन देया, अग्नि जैसे फूंक दे काम अग्नि अति है। इंद्रिय संयम प्रथम बल हे अर्जुन अपनाए, काम शत्रु हंता प्रबल ज्ञान।
ज्ञान दे ज्ञान भी नशाए। इंद्रिन आगे मन खड़ा, मन से आगे बुद्धि, बुद्धि आगे आत्मा, जो जीवन उपलब्धि। बुद्धि से ही निरख तू परम सूक्ष्म निज रूप, इच्छा धारे काम को मारन करो न चूप। मन विकार में